नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आमों का मौसम है और इस आम के मौसम में हम आम की पूरियां बनाएंगे। ये पूरियां बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, तो आइए आम की पूरियां बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 300 ग्राम गेहूं का आटा है, 3/4 कप आम का पल्प है। एक बड़े आम को हमने छीला, काटा और पीस लिया है। 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी है, 1 टेबल स्पून तेल है और तेल तलने के लिए। आम की पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे, तो हम आटा लगा लेते हैं। गेहूं का आटा हमने बड़े प्याले में लिया हुआ है और इसमें हम ये तेल डाल देंगे। थोड़ा सा तेल बचा लेंगे, वो हमें हाथ चिकने करने के लिए चाहिए बाद में। चीनी पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये आम का पल्प भी डाल देते हैं और पूरा मिक्स करते हुए आटा गूंथते हैं। आटा हमें जैसा पूरियों के लिए सख्त आटा लगाते हैं, उसी तरह का हमें सख्त आटा गूंथ करके तैयार करना है। आटा थोड़ा सा सूखा हो रहा है तो आवश्यकता अनुसार हम 1-2 छोटी चम्मच पानी डाल लेंगे। ये पूरी के लिए हमने सख्त आटा लगा करके तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में हमें 2 चम्मच छोटे पानी की ज़रूरत पड़ी थी, वो हमने डाल लिया था। आटे को हम ढक करके 20 मिनट रख देंगे। आटा हमारा फूल करके सेट हो जाएगा, इसके बाद हम पूरियां बनाएंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं और हमारा आटा भी सेट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा करके आटे को हम थोड़ा और मसल कर चिकना करेंगे और अब हम इसे लोइयां तोड़ेंगे। तो छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इन्हें गोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हाथ से मसलते हुए एकदम चिकनी गोल लोई बना करके तैयार करेंगे और इसी तरह की हम सारी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। ये सारी लोइयां हमने बना करके तैयार कर ली हैं। हम इन्हें कपड़े से ढक करके रख लेंगे ताकि ये सूखे नहीं और फिर हम पूड़ियां बेलेंगे। इधर अपने तेल को गरम करना शुरू कर देते हैं। एक लोई हम उठाएंगे और चकले पर रखेंगे और इसे हम किनारे से बेलते हुए एक जैसा 3 से 3.5 इंच के ब्यास में बेलकर तैयार करें इस तरीके से। और ये 3-4 पूरियां बेल करके हम तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा तेल गर्म होता है। ये 4 पूरियां हमने बेल करके तैयार कर लिए हैं और हम अपना तेल चेक कर लेते हैं गर्म हो गया है कि नहीं। थोड़ा सा आटा लेंगे और तेल में डाल करके देख लेंगे। आटा सिक करके तैर करके ऊपर आना चाहिए। आटा तैर कर ऊपर आ रहा है, तेल गर्म हो गया है। हम पूड़ियाँ तलना शुरू करते हैं। एक पूरी उठा करके हम कढ़ाई में डालेंगे और पूरी के थोड़ा सा ऊपर आने पर कलछी से दबा कर पूरी को फुलाएंगे। फूल जाने पर और हल्का सा नीचे की ओर से सिकने पर पूरी को पलट देंगे। पूरी को दूसरी ओर भी इसी तरीके से ब्राउन होने तक सिकने देंगे और इसके बाद दूसरी ओर से भी हल्की ब्राउन हो गई है, पूरी सिक करके तैयार है। निकाल लेते हैं। एक एक पूरी हम कढ़ाई में डालते जाएंगे और थोड़ा सा दबा करके उसे फुलाएंगे और थोड़ा सा नीचे से सिकने पर उसे पलट देंगे। और जब तक हमारी ये पूरी सिकती है तब तक हम एक और पूरी बेलकर तैयार करते हैं। पूरी दोनों तरफ से
गोल्डन ब्राउन सिकने पर इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से एक एक पूरी डाल करके सारी पूरियाँ तलकर तैयार कर लें। सारी पूरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं और इतने आटे में 15 पूरियाँ बनकर तैयार हो गई। गर्मा गर्म आम की पूरियाँ तैयार हैं, बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनी हैं। कई बार हमारे व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि पूरियाँ फूलती नहीं हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। एक तो आटा अच्छे से मसल करके चिकना होने तक उसे सॉफ्ट करना है। आटा सॉफ्ट भी हो लेकिन सख्त भी हो, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, तो अच्छा आटा लगा के तैयार करना है। लोई बनानी है, अच्छे से मसल के चिकनी एकदम गोल लोई बना करके तैयार करनी है। और जब पूरी बेलनी है तो बिल्कुल एक जैसी पूरी बिल करके तैयार होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जरा सी मोटाई लिए हुए पूरी को बेलना है। पूरी तलते समय विशेष सावधानी रखनी है। तेल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पूरियाँ फूलेंगी लेकिन जल्दी से जल जाएंगी। तेल गर्म है, अच्छा गर्म है, पूरी जैसे ही ऊपर आएगी तेल में तैर करके कलछी से उसे हल्का सा दबाना है, पूरी फूल जाएगी और उसे पलट देना है और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक तल करके निकाल लेना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाती हैं। आम की पूरियों को आप किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। साथ में आम का या नींबू का अचार जरूर परोसिए। आम की पूरियाँ बच्चों के टिफ़िन में किसी भी अचार के साथ में रखी जा सकती हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगी। आप ये आम की पूरियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।